आगे आ जाइए, जो साथी पीछे हैं इस सम्मेलन के, इस अभूतपूर्व जनसभा के आखिरी 15 मिनट के लिए हम सब आगे आ जाएं, ताकि हम यहां से एक संकल्प लेके जाएं। आप आगे आ जाइए और ये सब लोग बैठ जाइए, धन्यवाद। हाँ, जो पीछे वाले साथी हैं वो भी आगे आ जाएं और आगे आके बैठ जाएं। आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, धन्यवाद। मिलके हम सब लोग अपना संकल्प दिखाएंगे, मुट्ठी तानेंगे और जोर से बोलेंगे ताकि आवाज संसद तक जाए, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये सब साइड वाले भी हल्ला बोलेंगे ना, इधर वाले भी हल्ला बोलेंगे, पीछे भी आवाज आनी चाहिए हल्ला बोलने की, ताकि जो काले धन वाले हैं उनकी रूह कांप जाए आपको देख के। काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली और दिल्ली के बाहर से इस अभूतपूर्व हल्ला बोल रैली में आए हुए मेरे साथियों, आप सबके धैर्य को, आप सबके संकल्प को, आप सबके जज्बे को स्वराज इंडिया की तरफ से मेरा सलाम। हम कौन लोग हैं, कहां आए हैं, क्यों आए हैं, ये जानने की जरूरत है। इस मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं और यहां सामने जो लोग डटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बिकाऊ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की मशाल जलाई थी, ये वो लोग हैं जो अपने अपने घर से शायद जिंदगी में पहली बार 5 साल पहले मोमबत्ती लेके बाहर निकले थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सपना देखा था और दिखाया था कि इस भारत में, इस इंडिया में बदलाव हो सकता है, भ्रष्टाचार से भिड़ा जा सकता है, ये देश बदल सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जब देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले हमारे कुछ साथी थक गए हैं, तो थके हुए लोगों के साथ बैठे नहीं, कुर्सी को देख के बैठ नहीं गए, कोई राज्यसभा की कुर्सी नहीं देखी, किसी ने पार्षद की टिकट नहीं देखी, जिन्होंने कहा कि हम संघर्ष वाले लोग हैं, सड़क पे संघर्ष किया है फिर सड़क पे आने को तैयार हैं, ये वो सब लोग हैं। भारत माता की। आज की सभा में कई साथी देरी होने की वजह से, क्योंकि बस उनका पहले से बुक था, उन्हें जाना पड़ा, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। दरअसल जितना उत्साह था सुबह से, जगह जगह से खबर आ रही थी कि नहीं अभी हमारी बस पहुंची नहीं, अभी शुरू मत करो, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, तो हमें शुरू करते करते देर हो गई, समाप्त करते करते भी देर हो गई। लेकिन हमारे साथियों का आग्रह है, कई साथियों की तरफ से आग्रह हुआ है कि जी अगली सभा इतनी छोटी जगह पे ना करना, जंतर मंतर में अगली सभा रामलीला मैदान पे करनी होगी। सहमत है सब लोग? तो अगली बार समय से भी आएंगे, उसके लिए समय से आना पड़ेगा, अपने अपने घर से, दिल्ली में आदत है हमें थोड़ा देर से आने की, तो हाथ उठा के बताएं कि अगली बार रामलीला मैदान में। बहुत बढ़िया। हम कहां पे खड़े हैं? हम आए हैं जंतर मंतर पे,
ये वो जगह है जहां आके इस देश के आंदोलन वाले लोग संसद को याद दिलाया करते थे, संसद को बताया करते थे। आज फिर हम उसी संसद को बताने आए हैं। क्या बताने आए हैं? हम संसद को बताने आए हैं कि माननीय सांसदों, हमारे एमपी, बड़े बड़े लोग, आप संसद के अंदर जो खेल करते हो पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक है, सब देख रही है आपके खेल। संसद का सत्र समाप्त हो गया, पूरे इस सत्र में कोई काम नहीं हुआ। अखबारों में रिपोर्ट छपी कि 6 साल में इससे बेकार संसद का सत्र नहीं हुआ, जिसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि संसद में नहीं बोलूंगा, बाहर जरूर बोलूंगा। सब तरफ बोलते हैं, संसद के सेंट्रल हॉल में भी आके बोलते हैं, संसद में घुस के नहीं बोलते। क्यों? शायद डर है। डर है कि सवाल पूछा जाएगा, डर यह है कि जवाब देने को है नहीं। और उधर इस देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, जो कहते हैं बहुत बड़ी सूचना है, भूकंप आ जाएगा, लेकिन सिर्फ संसद में बोलूंगा, उस छत के नीचे बोलूंगा, जनता के बीच में नहीं बोलूंगा। क्यों भाई? अगर प्रशांत भूषण एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में बोल सकता है नरेंद्र मोदी के बारे में, अगर वो इस मंच से खुले आकाश के नीचे बोल सकता है, तो राहुल गांधी जी आप क्यों नहीं बोल सकते? डर लगता है। एक को सुनने से डर है, दूसरे को बोलने से डर है। देखिए कैसा लोकतंत्र है। सत्ताधारियों को सुनने से डर है, विपक्ष को बोलने से डर है। आज इस मंच पे, इस सभा में वो लोग आए हैं जिन्हें ना सुनने का डर है ना बोलने का डर है। भारत माता की। साथियों, पिछले एक महीना से अजीब हम नूरा कुश्ती देख रहे हैं। बॉक्सिंग का मैच होता है ना, कई बार पहले से फिक्स हो जाता है कि भाई तू ऐसे मुक्का मारना, फिर तू ऐसे मुक्का मारना, आखिर में जीतना हमारा आदमी चाहिए। पिछले एक महीने से हम ये मैच फिक्सिंग देख रहे हैं दोनों पार्टियों की, कि नोटबंदी पे झगड़ा करेंगे लेकिन काले धन का कोई बड़ा सवाल नहीं उठाएंगे। तुम भी मत उठाना, मैं भी नहीं उठाऊंगा। दोनों की तरफ से फिक्सिंग हो गई है। थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है? देखा आपने पिछले हफ्ते क्या हुआ? राहुल गांधी ने सुबह कहा कि मेरे पास बड़ी सूचना है, मैं भूकंप ला दूंगा, मैं कुछ कह दूंगा मोदी जी के बारे में। शाम को एक टेलीविजन चैनल पे कांग्रेस का एक पुराना घोटाला आ गया, अगस्ता वाला। अगले दिन जोधपुर में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ आ गया, उसके बाद से राहुल जी चुप है। अब मैं नहीं जानता क्यों चुप है, मुलाकात मेरी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सड़क पे चलते हुए लोग क्या कहेंगे कि मोदी जी ने थोड़ी सी झलक दिखा दी थी कि बेटा अगर बोलोगे तो ये कर दूंगा, तो दोनों चुप हो गए। ये दोनों तरफ से सेटिंग चल रही है, दोनों तरफ की मैच फिक्सिंग चल रही है। आज इस सभा में और इस मंच पे वो लोग आए हैं जो मैच करने के लिए नहीं आए हैं, वो इस देश को ठीक करने के लिए आए हैं, देश को ठीक करने के लिए आए हैं। ये जो नोटबंदी का सवाल है, उसके बारे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। सत्ताधारी पक्ष के बारे में आरोप लग रहे हैं, विपक्ष वाले बड़े साल पूछ रहे हैं, कहते हैं नोटबंदी के पीछे क्या है। सरकार वाले पिछले कुछ दिनों से लड्डू खिला खिला के अब ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के पीछे सवाल करने वालों के पीछे क्या है। अरे भाई, हमने कहा
कोई ये तो पूछे कि नोटबंदी से आगे क्या होगा। आपने काले धन के हाथी की पूंछ पकड़ ली, अगर पूंछ भी पकड़ ली तो अच्छा किया, चलो ये तो काम किया आपने। अब उसका जवाब दो जो यहां पे लिखा हुआ है कि आपने हाथी की पूंछ तो पकड़ ली, अब काले धन के हाथी को कब पकड़ोगे? ये सवाल देश जानना चाहता है, ये सवाल संसद से पूछने के लिए हम आए हैं। और हम कहना चाहते हैं, मैं कड़वी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पिछले एक महीने से इस देश में संसद में जो ड्रामा हुआ, संसद में बैठे हुए लोगों ने इस देश की महान संसद की गरिमा को जिस तरह से गिराया, विपक्ष ने तो नाटक कर नहीं होते हैं, सत्तारूढ़ दल ने संसद को नहीं चलने दिया, ये सब देखने के बाद अडवाणी जी के मन में आया, उन्होंने कहा कि मेरा तो मन करता इस्तीफा दे दूं। चलिए बुढ़ापे में कोई एक सच बात तो बोली, अच्छा किया। और मेरे मन में तो उससे भी ज्यादा बात आई, मेरे मन में बात आई कि अगर इन सांसदों ने इस देश की संसद की गरिमा को इसी तरह से गिराना है तो ताला लगा दो संसद को, ताला लगा दो, वो अच्छा होगा, कम से कम इस तरह का ड्रामा तो नहीं होगा। रोज रोज इस देश के लोग संसद की बात सुनना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में हर नुक्कड़ पे चर्चा थी, हर जगह पे चर्चा थी नोटबंदी, क्योंकि हर व्यक्ति पे प्रभाव था। पिछले एक महीने में लोग वाकई कुछ सुनना चाहते थे, जब एक बार इस देश की जनता संसद से कुछ सुनना चाहती थी, हमारी संसद बोली नहीं, शोर मचाती रही, इस देश की जनता को लज्जित किया, इस देश की संसद फेल हो गई जब इस देश की जनता कुछ सुनना चाहती थी। और इसलिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हम ये कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमने आज से 5 साल पहले कहा था, अगर कुछ सवाल संसद में नहीं उठेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क पे नहीं उठेंगे, जो सवाल संसद में उठने चाहिए थे नहीं उठे, उन्हें संसद की जगह सड़क पे उठाने के लिए हम आज यहां आए हैं। हम सब उन सवालों को लेने आए हैं, काले धन के असली सवाल को उठाने आए हैं। दोस्तों, ये जो काला धन है, ये जो राक्षस है काले धन का, ये रावण जैसा है। रावण को क्या बोलते थे? दशानन। दशानन का मतलब जिसके 10 सिर थे, 4 वेद जानता था, 6 शास्त्र जानता था, इसलिए रावण के 10 सर थे। इस काले धन के भी 10 सर हैं। एक सर इसका पहला सर है जो कागज के नोट का बना हुआ है, वो कैश है। दूसरा सर सोने का बना हुआ है। जो काला धन रखते हैं वो कैश में तो थोड़ा ही रखते हैं जी, असली खिलाड़ी तो सोने हीरे जवाहरात में रखते हैं, वो इस रावण का दूसरा सर है। इस रावण का तीसरा सर मिट्टी से बना है। मिट्टी से क्यों बना है? क्योंकि काले धन से जमीन खरीदी जाती है साहब, मिट्टी है उसकी। काले धन का चौथा सर ईंट से बना हुआ है। ईंट से क्यों बना है? क्योंकि काले धन से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, फ्लैट और कोठियां खरीदी जाती हैं। वो चौथा सर है जी यहां पे। और पांचवा है कागज के शेयर का बना हुआ, शेयर मार्केट में लगता है पांचवा। अब आप कहोगे भाई साहब ने 500 गिना दिए सर, बाकी 5 कहां के हैं? साहब बाकी 5 इंपोर्टेड माल है। रावण जी ने भी 5 सर अपने इंपोर्ट कर रखे हैं बाहर से, 5 सर देसी और 5 सर विदेशी। वो कौन से 5 सर हैं? एक है जो प्रशांत जी ने बताया, पी नोट्स। ये बेनामी तरीके से प्रॉपर्टी बनाने का विदेश का धंधा है। एक है स्विट्जरलैंड के अकाउंट। स्विट्जरलैंड के क्यों? क्योंकि वो एक देश है जिसमें बताया जाता है आपके अकाउंट की सूचना को गुप्त रखा जाता है, तो बड़े बड़े लोग वहां जाके करते थे। एक है सिंगापुर की कंपनियां,
एक है साइप्रस की कंपनियां है, सब देश है दुनिया के जहां पे काला धन रखा जाता है। और अभी अभी कल परसों ही इस सरकार ने इधर काले धन का यज्ञ चल रहा है, उधर साइप्रस को काली लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। तो नौवां है साइप्रस का और दसवां सर है जी मॉरिशस से आया हुआ है। मॉरिशस में कंपनियां बनती है रातों रात, धन यहीं का है, मॉरिशस का नहीं है। यहां से एक जेब से काला धन निकलता है, रातों रात मॉरिशस पहुंचता है और अगले दिन सफेद पैसा बन के, व्हाइट मनी बन के दूसरे हाथ से इंडिया वापस आ जाता है। ये दस सर हैं इस रावण के। हमारे प्रधानमंत्री इस रावण की तरफ इशारा किए, हमने कहा चलो अच्छा तो किया, चलो एक अच्छा काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने काले धन का नाम लिया, फिर वो चले इस काले धन के सामने उस्तरा लेके इसका काटने, गला काटने। उनको दस में से एक सर दिखाई दे रहा था जो कैश वाला नोट वाला सर था। जब वो उस्तरा लेके चले, हमने कहा भाई इससे सारा काला धन खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन चलो कोई रावण की तरफ चला तो है। कांग्रेसी तो ये भी नहीं करते थे, चलो इसको जाने दो, अच्छी बात है, समर्थन दो। जब लोगों को कष्ट होना शुरू हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, कष्ट है, दिक्कत है, सरकार गलती से कर रही है, नोट छापे नहीं, लोगों को तंग किया, लेकिन किसी बड़े काम में गलती भी हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है, देख लेंगे। हमने समर्थन किया, सारे विपक्ष वालों ने केवल विरोध के लिए विरोध किया। हमने कहा कि मौका दो, ही नहीं मौका दो, कोई गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं। अब एक महीना हो चुका है, जो कष्ट हुआ है वो तो कष्ट हुआ है, लेकिन अब तक क्या हुआ है, रावण के दस सर में से एक सर काटने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री उस्तरा लेके निकले थे, पता लगा उसका गला काटने के बजाय उसकी शेविंग करके आ गए। वो नहीं काटा, कटिंग करके आ गए, शेविंग करके आ गए रावण के, वो भी चार बाल उठा के ले आए। क्या चाहिए रावण को मारने के लिए, क्या करना था आप बताइए? क्या उसके शेविंग करने से काम चल जाता या गला काटना चाहिए था? गला काटने से रावण खत्म हो जाता? नहीं होता, क्योंकि दस सर हैं, दस सर में से एक सर काटा आपने। अगर काट भी लेते तो क्या करना था? बाकी नौ सर भी हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात हुई? जो सवाल प्रशांत जी ने उठाए, जो हमारी बहन अंजनी ने उठाए, उन सब पे क्यों बात नहीं हुई? लेकिन असली सवाल वो है जो स्वामी जी बोल रहे हैं यहां। ये बुंदेलखंड से आए हैं स्वामी जी, ये बोल रहे हैं रावण के दस सर काट देते तो क्या उससे बात बन जाती? अरे सबने रामायण पढ़ी है, सब जाके रामलीला करते हैं, बोलिए रावण के दस काट देने से क्या बात बनती है? क्या नहीं बनती, क्योंकि रावण के प्राण उसकी नाभि में है और ये काले धन की नाभि क्या है? राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति का काला धन है जो काले धन की नाभि है। और अगर राजनीति के काले धन पे प्रहार नहीं किया तो भ्रष्टाचार और काले धन का रावण इस देश से खत्म कभी नहीं होगा, जितना भी आप कोशिश करते रहिए। तो आज इस सभा के लोग ये चेतावनी देने आए हैं, ये याद दिलाने आए हैं कि अगर काले धन के खिलाफ सिर्फ नूरा कुश्ती नहीं करनी आपने, अगर आपने कोई सच्चा विरोध करना है काले धन का, अगर ईमानदारी से संघर्ष करना है, तो मोदी जी, राहुल जी, संसद में बैठे हुए सारे लोग, आप सबको राजनीति के काले धन की नाभि के ऊपर बाण चलाना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, लड़ेंगे, लड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या हिम्मत है आपकी?
की राजनीति वाली नाभि के ऊपर बाण चलाने की इच्छा शक्ति है। पहले तो उन संसद वालों से पूछ लें, पहले तो मोदी और राहुल से पूछें कि भाई आपकी इच्छा शक्ति है क्या, हिम्मत है क्या। सच्चाई ये है कि नोटबंदी के सारे नियम आपके और मेरे लिए, पार्टियों के लिए कोई नियम नहीं। कल ही ये सवाल उठा कि पार्टियों पे पाबंदी नहीं है, शाम तक इंद्र का सिंहासन डोल उठा, शाम को ही अरुण जेटली का स्पष्टीकरण आया, सरकार का स्पष्टीकरण आया। क्या आया? सरकार बोली नहीं नहीं, राजनीतिक दलों को हमने कोई विशेष छूट नहीं दी है, राजनीतिक दलों के साथ भी वैसे ही जांच होगी जैसे बाकियों की जांच होती है। मैंने कहा अरुण जेटली जी, अर्ध सत्य बोलने में अरुण जेटली जी का कोई मुकाबला नहीं है इस देश में। आधा सच और आधा झूठ लपेट के ऐसा पेश करते हैं कि एक बार तो आदमी को लगता है यार कुछ बात है। कहते हैं हमने पार्टियों को कोई नई छूट नहीं दी है, जो नहीं कहते हैं वो ये कि पिछले 30 साल से जो छूट चली आ रही थी वो हमने बाकियों की बंद कर दी है, लेकिन पार्टियों की बंद नहीं की है। पिछले 5 हफ्तों में कितने कितने नए नियम आए। कभी सुना था कि आप अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, आप अपने खाते में इतने पैसे नहीं डाल सकते। सबके लिए नए नियम बने। व्यापारियों के लिए नियम बना कि 8 तारीख वाले अपने बिल के ऊपर मोहर लगा लो ताकि उससे बाद का आप तारीख में कोई नया बिल ना बना सको, बैक डेट से कोई व्यापारी बिल ना बना ले, इसका नियम बन गया। तो भाई साहब पार्टी के बारे में क्यों नहीं बनाया? बाकियों पे नियम, पार्टियों पे कोई नियम नहीं। बाकी संगठनों के बारे में नियम ये कि जब भी आपको पैसा मिलेगा आप उसको घोषित कीजिए, लेकिन पार्टियों पे नियम क्या कि 20,000 रुपए से कम अगर आपको कोई चंदा देता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि किसने चंदा दिया। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 15 साल से क्या कहा है कि जी हमें तो आज तक किसी ने 20,000 से ज्यादा चंदा दिया ही नहीं है। लिख के बहुजन समाज पार्टी लिख के बात कहती है, जाहिर है बताने की कोई जरूरत नहीं। तो जब नोटबंदी होगी 30 तारीख को गिनती होगी, ये पार्टियां जाके कहेंगी कि हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए आ गया था, सब छोटे छोटे डोनेशन में आया, 10-10, 15-15, 20-20 रुपए 15,000 में आया, हम आपको कैसे बताएं किसने दिया। अरुण जेटली कहते हैं नहीं इसकी जांच करेंगे। अरे भाई जांच तो आप तब करोगे अगर डेट के हिसाब से कोई रसीद बुक हो। इन पार्टियों की कोई रसीद बुक है ही नहीं। ये सब रसीद बुक 31 मार्च को बनाई जाती है। सब बना लेंगे अपनी रसीद बुक, सब आपको बताएंगे जेटली जी कि हमारे पास 500 करोड़ है, हमारे पास 300 करोड़ है, और सब 8 अक्टूबर से पहले आया था, 8 नवंबर से पहले आया था बता देंगे। आप क्या कर लोगे उनका? कोई नियम नहीं है। तो सच बात यह है जैसा प्रशांत जी ने कहा, आज इस देश की पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सबसे बड़ा धंधा बन गई। और इसलिए हम यहां आए हैं चेतावनी देने के लिए, हम यहां आए हैं संकल्प करने के लिए। हम खुद राजनीतिक हैं। कोई कह सकता है कि भाई तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, अभी अभी तो पार्टी बनाई है और कह रहे हो पार्टियों के ऊपर पाबंदी सख्त होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पार्टी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाई है, पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि हम किसी भी तरह से सत्ता में घुस जाएं, पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि कोई कुर्सी मिल जाए उस पर कब बैठ जाएं, पार्टी देश के लिए बनाई है, देश सेवा के लिए बनाई है। और अगर देश सेवा के लिए अपने हाथ बांधना जरूरी है तो हम अपने हाथ बांधेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अपनी अब तक की मीटिंग के अंदर हम चादर से कलेक्शन किया करते थे और उसको मंच से डिक्लेयर कर देते थे कि भाई चादर में इतना पैसा आया। लेकिन जब से ये सब हुआ
हमने संकल्प किया और आज से शुरू हो गया है कि चादर वाला काम भी हम बंद करेंगे, केवल केवल रसीद देके लिखा हुआ हम पैसा लेंगे और इलेक्शन कमीशन मांगे ना मांगे हम अपना पूरा का पूरा चंदा उसके सामने डिक्लेयर करेंगे, उसे बताएंगे कि हमारा चंदा कहां से आया और कैसे आया। और हम दूसरों से पूछेंगे, और यही एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां से आए हुए हम सब लोग एक आह्वान देके निकलेंगे, एक संकल्प लेके निकलेंगे, और वो संकल्प ये है कि देश में कई जगह पे चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं जी आप कितनी सीट लड़ोगे, चुनाव में आपकी क्या दखल होगी। मैं आपके सामने प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस देश के चुनाव में हमारी पहली दखल ये होगी कि इन चुनावों में काले धन का जो प्रयोग हो रहा है उसकी हम चौकीदारी करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, उत्तराखंड में करेंगे, पंजाब में करेंगे, गोवा में करेंगे, और काले धन को चुनाव में इस्तेमाल करने की जो भी कोशिश होती है उसका पर्दाफाश करेंगे, सिर्फ हम नहीं करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं और आप सबके माध्यम से मैं इस देश के तमाम जन संगठनों का, तमाम आंदोलनों का, सच्चाई और ईमानदारी के लिए संघर्ष कर रहे तमाम कार्यकर्ताओं का, सबका आह्वान करना चाहता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर शामिल हों इस संघर्ष में, हम सब लोग मिलकर चौकीदारी करेंगे, हम सब लोग मिलकर पहरेदारी करेंगे और हम राजनीति में काले धन को रोकेंगे। तो पहले तो हम दूसरों के चुनाव में चौकीदारी करेंगे और फिर हम खुद एक ईमानदार चुनाव लड़के दिखाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। मैं आप सबसे यहां पूछना चाहता हूं अंत में, आप सब हाथ खड़ा करके बताइए, एक ईमानदार तरीके से राजनीति करने और चुनाव लड़ने का संकल्प लेने के लिए हम तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं भाई, आसान नहीं होगा ईमानदारी से लड़ना, तमाम हाथ पांव बन जाएंगे, बाद में आप ही आके कहेंगे योगेंद्र जी किस चक्कर में फंसवा दिया, जैसे ये पोस्टर वाला मामला था, रोज रोज कहते थे भाई साहब आपकी फोटो लगा रहे, तो हमने कहा ना फोटो वाला काम नहीं करना। तो संकल्प के साथ हाथ उठा के बताइए, एक ईमानदार राजनीति करने का संकल्प लेते हैं हम, उसके लिए तकलीफ सहने को तैयार हैं हम, और जहां जहां काला धन दिखता है उसका भंडा फोड़ करके अपने जान के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं हम, तो मिलके मेरे साथ बोलिए, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुट्ठी उठा के ताकि पता लगे आवाज दूर तक पहुंचे, नहीं किसी के नाम का नारा नहीं लगाते साहब, जिस दिन आंख बंद हो जाए और अच्छा काम करूं तो सोच लेना उसके बाद, जब तक आंख खुली हुई है तब तक नारा न लगाइए किसी इंसान के नाम का, ये बहुत अश्लील हरकतें होती हैं हमारी राजनीति में। तो सब लोग मिलके बोलेंगे, मुट्ठी उठा के संकल्प के साथ बोलिए, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, करूंगा बस एक मिनट आप यहां खड़े रहिए, हमारे साथी अजीत झा जी केवल दो पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाएंगे, जो इस सभा की तरफ से पारित प्रस्ताव है वो स्टेटमेंट सुन के हाथ खड़ा करके उसका अनुमोदन करके हम जाएंगे, और जाने से पहले जिन साथियों ने व्यवस्था की
जिन साथियों ने इतना कुछ काम किया, कल पूरी रात जगे रहे, उनको धन्यवाद करके जाएंगे। बस बैठने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े ये दोनों काम हो जाएंगे। अजीत झा, काले धन के रावण को, दस सिर वाले रावण को मारना है। उसको मारने के लिए उसकी नाभि पे वार करना है। ये प्रस्ताव वो वार है। इस प्रस्ताव से जो हम संकल्प लेंगे, इस संकल्प के ऊपर लगातार काम करेंगे। ये प्रस्ताव आपके सामने है मंजूरी के लिए। देश भर से एकत्रित हुए स्वराज सेनानियों की यह विशाल रैली काले धन के कोड को समाप्त करने का संकल्प लेती है। हमारा यह मानना है कि काले धन का स्रोत है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है राजनीतिक भ्रष्टाचार। इसलिए काले धन के खिलाफ सच्ची लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब राजनीतिक पार्टियां और चुनावी फंड की आय और खर्च में पारदर्शिता हो और उनकी जांच की जाए। इस देश का दुर्भाग्य है कि सभी सरकारें और पार्टियां न तो अपनी आय और खर्च का हिसाब देने को तैयार है, न ही पार्टियों के अकाउंट की जांच की जाती है। कहने को देश में काले धन के विरुद्ध यज्ञ चल रहा है, लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां मिलकर राजनीति में काले धन पर पर्दा डाल रही हैं। नोटबंदी में आम जनता से तो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पार्टियां इस जांच और पूछताछ से परे हैं। ऐसे में काले धन के विरुद्ध सच्ची लड़ाई की यह मांग है। नंबर एक, 30 दिसंबर तक पार्टियों द्वारा 1,000 और 500 रुपए के नोट में जितना भी कैश बैंकों में जमा करवाया जाए उसे सार्वजनिक किया जाए। नंबर दो, जैसे किसी भी नागरिक के बड़े कैश डिपॉजिट की जांच हो रही है, वैसे ही सभी पार्टियों और एमपी एमएलए के खातों की विशेष जांच हो। नंबर तीन, पार्टियों को 20,000 रुपए से कम के किसी भी चंदे को गुप्त रखने की छूट तत्काल रद्द हो। अन्य किसी भी संगठन की तरह पार्टियों को भी अपने हर पैसे का स्रोत बताना जरूरी हो। नंबर चार, पार्टियों को अपने अकाउंट चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित IACA के मानदंड के अनुसार देना अनिवार्य बनाया जाए। और अंत में यह जनसभा देश के राजनीतिक क्षितिज पर उभरी नई पार्टी स्वराज इंडिया से अनुरोध करती है कि वह स्वयं इन मर्यादाओं का पालन करे। स्वराज इंडिया स्वेच्छा से इन सारी मर्यादाओं का पालन करेगा। हम देश भर के संगठनों और जन आंदोलनों से आह्वान करते हैं कि वे काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस जन आंदोलन में शामिल हों। तो इस प्रस्ताव के समर्थन